गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 पार्ट 9 समाचार पत्र से आत्मकथा पढ़ेंगे। अर्थ लिखने में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि विभक्ति के अनुसार विभक्ति का चिन्ह लगाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, अर्थ अपने आप निकलता चला जाएगा। जैसे अहम एकम, मैं एक दैनिक समाचार पत्र, मैं के साथ में अस्मि, अस्मि हूँ, मैं एक दैनिक समाचार पत्र हूँ। मैं सप्तमी विभक्ति, मुझमें, देशस्य षष्ठी, देश के, च और विदेशों के, घटनाएं सचित्र लिखित होती हैं। संसारे सप्तमी विभक्ति, संसार में प्रतिदिन नवीन नवीन नई नई घटनाएं घटती हैं, अतः इसलिए प्रतिदिन नवीनेन नवीन रूपेण रूप में मैं आगच्छामि आता हूँ। पृथ्वी पर असंख्य भाषाओं में मेरा प्रकाशन होता है, मैं छपता हूँ। संचार माध्यमों में सप्तमी बहुवचन, संसार माध्यमों में मम मेरा प्रमुख स्थान है, अतः प्रतिदिनम, इसलिए प्रतिदिन प्रातः रोज सवेरे बहुसु गृहेषु, सप्तमी बहुवचन, बहुत सारे घरों में जाता हूँ, गच्छामि। नगरम भवतु अथवा ग्रामः, शहर हो या गांव, मम सर्वत्र आदरो अस्ति, मेरा हर जगह आदर है। सर्वे सभी लोग मुझ में लिखित विषयों को पढ़ते हैं, मेरे मम मेरे चित्रों को देखते हैं, और मम हृदय मेरे हृदय में जाति धर्म आदि का भेद विचार नहीं है। मुझमय मन मुझमें, सप्तमी एक वचन, तात्कालिक तुरंत की जो घटनाएं घट रही हैं, समाचाराः भवन्ति एव, समाचार होते ही एव मन हैं, ही कालानाम बालानाम कृते, बच्चों के लिए मनोरम कथाएं, सुंदर कथाएं और चित्र यहाँ होते हैं, अत्र यहाँ चामने और होते हैं। क्रीड़ा विज्ञान चलचित्र, चलचित्र माने सिनेमा, राजनीति इत्यादि का यहाँ सब कुछ संभव है। सुखम भवतु अथवा दुखम, सुख हो अथवा दुख, कस्यचित नेतु, कस्यचित किसी नेता का सम्मान हो अथवा मृत्यु, रमणीय उत्सव हो अथवा भीषण भूकंप, सभी विषयों में मैं समान रूप से व्यवहार करता हूँ। मित्राणि हे मित्रो, अहम भवताम एकम मित्रम अस्मि, मैं आपका एक मित्र हूँ। इदानीम भवन्तः एव विचारेयुः, इदानीम इस समय आप ही विचार करें, मादृशस्य मित्रस्य, मादृशस्य मेरे समान मित्र का कैसे उपयोग हो, कथम अशिक्षित, कैसे अशिक्षित ग्रामीण लोग भी मेरे माध्यम से जागरूक हों, कथम मैं प्रकाशित विज्ञानम, कैसे मुझमें प्रकाशित विज्ञान साहित्य क्रीड़ा आदि संसार के हित मने हित के लिए आए। सजग पाठक, सजग पाठका नाम, सभी सजग पाठकों का, जागरूक पाठकों का एतै ही विचार ही के यह विचार, इन विचारों के द्वारा ही मेरी देश सेवा होती है, मैं देश की सेवा करता हूँ। मार्गः प्रशस्तः, देश सेवा का मार्ग प्रशस्त होता होगा, देश सेवा ही हमारा सब कुछ है। इसके बाद, इसके नीचे बाद आपको ये इसके अर्थ लिखे मिलेंगे पूरा हिंदी में सारे, आप इनको पढ़ लेंगे। मैं एक देश समाचार पत्र हूँ, मुझमें देश और विदेश की घटनाएं सचित्र चित्र के साथ लिखी हैं, इनको आप अपने आप पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे शब्दार्थ पर, शब्दार्थ में अगर आप आएंगे शब्द संग्रह पर, तो इसमें कुछ चिन्ह लगाए गए हैं इन्हीं शब्दों का, आप अपनी कापी में शब्द और अर्थ के साथ में लिखें। यह समाचार पत्रेषु भेद विचारः, चलचित्रम, नेतुः,
रमणीयः विचारेषु मादृशस्य माध्यमेन जागरूकाः प्रशस्तः। कॉपी में करेंगे इसे आप। इसके बाद देखिए, ये आपके की पुस्तक में ही लिखा हुआ है, रूपेण अहम दीर्घ संधि, प्रकाशन नमस्ते, प्रकाशन है व्यंजन संधि, आदरो अस्ति आदरः अस्ति पूर्व रूप संधि, चित्राणि अपि यण संधि, धर्मादीनां धर्म आदीनां दीर्घ संधि, भवन्ति एव यण संधि, च अत्र चात्र दीर्घ संधि, इत्यादयः गुणसंधि यण संधि, इकया हो जाता गुण, और सर्वेष्वपि यह भी यण संधि। इसके बाद इनको आप खुद पढ़ेंगे, इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़िए, समझ में ना आए तो आप अलग से पूछिए, जो हमने पढ़ाया वही उसी को दिया गया है। अब आ जाइए इसी से अभ्यास पर। अभ्यास नंबर एक, प्रश्न में के उत्तर दें संस्कृत में। समाचार पत्रम प्रतिदिनं प्रातः कुत्र गच्छति, समाचार पत्र प्रतिदिनं प्रातः कुत्र गच्छति, समाचार पत्र प्रातः सर्वे बहुसु गृहेषु गच्छति। अब इसमें देखिए खाब का उत्तर देखिए, समाचार पत्रस्य आदरम सर्वत्र भवति, समाचार पत्र आदरम सर्वत्र भवति, कुत्र भवति सर्वत्र भवति। तीसरा प्रश्न है, समाचार पत्रस्य हृदये किं नास्ति, समाचार पत्रस्य हृदये धर्म जाति धर्मादीनां भेद विचारः नास्ति, समाचार पत्रम कस्य मित्रम, समाचार पत्रम भवताम एकम मित्रम अस्ति, अस्माकं सर्वस्वं किं, देश सेवा एव अस्माकं सर्वस्वं अस्ति। प्रश्न नंबर दो आइए, संधि करिए, भवन्तेव यण संधि, सर्वेष्वपि पहले कराया जा चुका है, आपके किताब में देख लीजिए, सर्वेष्वपि गुण यण संधि, च प्लस अत्र चात्र दीर्घ संधि। अब अर्थ लिखें, रमणीय माने सुंदर, मादृशस्य मेरे समान, प्रशस्तः सुखद, प्रशस्तः माने सुखद, सर्वस्वम माने सब कुछ, अस्माकम हमारा, सर्वस्वम सब कुछ, अस्माकम हमारा। प्रश्न नंबर चार पे आइए, निम्न निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें, नीति तृतीया विभक्ति, मृत्यु द्वितीया विभक्ति, अस्मत् सप्तमी विभक्ति, युष्मत् तृतीया विभक्ति। मैं इसका नोट आपको भेज रहा हूँ अलग से, आप उसको देख लीजिएगा। तृतीया विभक्ति में नीत्या नीतिभ्याम नीति भी ही, मृत्यु का मृत्युम मृत्यु मृत्युन, अस्मत् शब्द मई आवयो अस्मासु सप्तमी विभक्ति, और युष्मत का तृतीय में त्वया आयुवाभ्याम युष्मा भी ही। धातु में आ जाइए, निम्नलिखित निम्नानुदेशों से धातु रूप लिखें, लिख धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष, लिखेयम लिखेव लिखेम, विधिलिंग लकार में विधिलिंग लकार स्था धातु प्रथम पुरुष, तो तिष्ठेत तिष्ठेताम तिष्ठेयुः, आ प्लस गम गच्छ धातु विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष में, आगच्छेह आगच्छेतम आगच्छेत, और भू धातु भाव से चलता है, तो विधि हो जाए उत्तम पुरुष में विधिलिंग लकार में भवेयम भवेव भवेम, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष, पठतु पठताम पठन्तु। लास्ट है, संस्कृत में उत्तर दें, संस्कृत में अनुवाद करें, हमें समाचार पत्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, वयम समाचार पत्रम प्रतिदिनम पठेम, वयम
समाचार पत्रम प्रतिदिनम पठेम। दूसरा है, इस लड़की को घर जाना चाहिए। द्वितीय विभक्ति, इमाम बालिकाम गृहम गच्छेत। एक वचन है ना, इसलिए गच्छेत हो जाएगा। तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें तुमको द्वितीय त्वाम एकम पत्रम लिखेह। तुम का चिन्ह लगेगा, कोई भी दुखी न हो। न कश्चित दुख भाग भवेत, दुखी भवेत। मैं आपका मित्र हूँ, अहम भवताम आपका बहुवचन मित्रम अस्मि। और वयम, हमें देश सेवा करनी चाहिए। वयम देश सेवाम कुरियाम, वयम है वह बहुवचन कुरियाम। थैंक यू। पूरा होगा अब इसके बाद।